जिसकी हाइट ट्वेंटी मीटर है इस बिल्डिंग के ऊपर ये ए बी एक टावर है राइट right? ये टावर ए बी है बिल्डिंग की हाइट ट्वेंटी मीटर है डी एक पॉइंट ग्राउंड पे है जिससे इस टावर के सबसे पहले बॉटम वर्ड आ रहा है फिर टॉप वर्ड आ रहा है बॉटम पे एंगल फोर्टी फाइव डिग्री है टॉप पे एंगल कितना है सिक्सटी डिग्री तो यानी कि टावर का बॉटम बी ये एंगल फोर्टी फाइव डिग्री है और ये बड़ा एंगल यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट ए ये कितना है जी 60 डिग्री डायग्राम आपके सामने है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर हमें टावर की हाइट निकालनी है ए बी इसे एच मान लेते हैं ओके तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितनी राइट एंगल ट्रैंगल बनेगी ना आपको सब में जाना ही पड़ेगा बस ही अगर जाओगे तो अपने आप ये क्वेश्चंस हो जाएंगे मुश्किल लगेंगे ही नहीं ये बी सी डी एक छोटी ट्रैंगल नज़र आ रही है इस ट्रेंगल में चलते हैं इन ट्रैंगल बी सी डी अब देखो इस बी सी डी ट्रैंगल में मेरे पास ये परपेंडिकुलर तो बी सी है डी सी मेरे पास क्या है बेस परपेंडिकुलर और बेस का कॉम्बिनेशन टेंजेंट होता है तो टेंजेंट 45 लगाते हैं यहाँ पर क्योंकि एंगल तो 45 है 45 टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 परपेंडिकुलर इज बी सी बेस इज सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा यानी सी डी और बी सी दोनों इक्वल होंगे तो ये वैसे ही याद रख लेना आप जब भी 45 डिग्री एंगल होगा ना तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं बी सी की वैल्यू फिल कर देते हैं ट्वेंटी यानी कि सी डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20 मीटर तो देखो एक ट्रायंगल में गए तो कुछ तो निकला ना उसमें से एक और ट्रायंगल रह गई ये बड़ी ट्रायंगल अब उसमें चलते हैं सेकंड बड़ी ट्रायंगल क्या है इन ट्रायंगल एसीडी बड़ी ट्रायंगल एसीडी में चलते हैं चलिए 60 डिग्री एंगल है उसमें तो टेंजेंट 60 लगेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यहां पे परपेंडिकुलर पूरा एसी बेस सीडी टेंजेंट सिक्सटी की वैल्यू रूट थ्री पूरी एसी देखो एच प्लस ट्वेंटी है और नीचे सीडी की वैल्यू ट्वेंटी क्रॉस मल्टीप्लाई करो ट्वेंटी को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू एच प्लस ट्वेंटी देखो एक ट्रेंगल में गए थे सीडी निकला था दूसरी ट्रेंगल में गए सीधा एच निकल रहा है यहाँ से तो मुश्किल नहीं होते ये क्वेश्चन ट्वेंटी लेफ्ट साइड में ले आओ एच इधर पड़ा रहने दीजिए इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी आई इन दोनों में से ट्वेंटी कॉमन रूट थ्री माइनस वन तो ये हमारी एच की वैल्यू आ गई एच मतलब हाइट ऑफ टावर देयर फोर हाइट ऑफ टावर इट इज इक्वल टू ट्वेंटी रूट थ्री माइनस वन मीटर तो देखो कितने आसान क्वेश्चन हैं बस हमें ट्रेंगल काउंट करनी है कि हां ट्रेंगल आ रही है कौन कौन सी राइट एंगल ट्रेंगल आ रही है फिर उसी से ही हमें आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ओके लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर एट्थ चलिए क्वेश्चन नंबर एट्थ की स्टेटमेंट रीड करते हैं अ वन 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल डायग्राम बिल्कुल सेम है क्योंकि यहां पर अब बी जो हमें पेडिस्टल दे रखा है इसकी हाइट एच मान लेते हैं क्योंकि इसकी हाइट निकालनी है टावर की जगह पर स्टैचू है और अब ये हाइट हमें 1.6 मीटर दे रखी है एंगल भी 45 60 सेम दे रखा है थोड़ा सा स्टेटमेंट बदल के दी है स्टैचू के टॉप यानी कि ए पॉइंट की 60 डिग्री डेस्टल का टॉप यानी कि बी सी का टॉप बी पॉइंट बनता है इसका एंगल फोर्टी फाइव डिग्री डायग्राम बिल्कुल सेम है कंसेप्ट बिल्कुल सेम है अटेम्प्ट बिल्कुल सेम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में छोटी ट्रायंगल में गए थे अभी भी छोटी ट्रायंगल में चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी बी सी डी ट्राइंगल में चलते हैं टेंजेंट फोर्टी फाइव लगेगा एग्जैक्टली सेम स्टेप टेंजेंट फोर्टी फाइव इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी ये वैल्यू वन है बी सी अपॉन सी डी यानी कि सी डी किसके इक्वल होगा बी सी के और सी डी की वैल्यू कितनी आएगी जी एच आएगी तो ये सी डी मेरे पास कितना आ गया एच बिल्कुल सेम स्टेप्स हुए जैसे पिछले क्वेश्चन में किए अब बड़ी ट्रायंगल में चलते हैं बड़ी ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए सी डी सेम वे वी विल यूज टेंजेंट सिक्सटी डिग्री विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी ए सी परपेंडिकुलर सी डी बेस टेंजेंट सिक्सटी इज रूट थ्री ए सी की वैल्यू वन पॉइंट सिक्स प्लस एच नीचे सी डी की वैल्यू एच बस कैलकुलेशन करनी है एच निकालना है, बिल्कुल आसान क्रॉस मल्टीप्लाई करें रूट थ्री एच इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स प्लस एच चलिए इस h को लेफ्ट साइड ले आते हैं क्या होगा h कॉमन निकाल लेते हैं रूट थ्री माइनस वन इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स तो फाइनली वी विल गेट वैल्यू ऑफ एच एज वन पॉइंट सिक्स अपॉन रूट थ्री माइनस वन अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी रह गई है क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर आ रहा है स्क्वेयर आ रहा है तो हमें क्या करना है इसे रिमूव करना है रैशनलाइज करके रैशनलाइज कैसे करेंगे रूट थ्री माइनस वन है ना तो रूट थ्री प्लस वन यहाँ भी रूट थ्री प्लस वन क्या बनेगा ऊपर देखो वन पॉइंट सिक्स को रूट थ्री प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्क्यर यानी कि 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है ये वन थ्री माइनस वन करेंगे तो टू आएगा टू से इसे काट दीजिए जीरो पॉइंट एट आएगा यानी कि जीरो पॉइंट एट इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर राइट देयर फोर हाइट ऑफ पेडेस्टल कितनी आएगी 0.8 पॉइंट एट इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था मुश्किल नहीं था हाइट हमारे पास कितनी आ गई 0.8 पॉइंट एट इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा सेवन्थ और एट्थ दोनों क्वेश्चन में कंसेप्ट सेम था इस कंसेप्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं अच्छे से करिए कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे थैंक यू